3 नवंबर को जो है वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने मुल्क में जब इमरजेंसी नाफिज कर दी थी, मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी और तमाम जजेस को मुअत्तल भी किया था और उस वक्त स्पीच भी दी थी उनके उनकी वो स्पीच इस वक्त हम अपने नाजरीन को सुनवाएंगे। मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, मैंने एक प्रोविंशियल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया। पता तो चलो इसमें गवर्नमेंट में कोई तब्दीली नहीं होगी। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स तमाम अपने अपने पदों पर रहेंगे, तमाम असेंबलीज कंटिन्यू करेंगे, यानी सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, ये तमाम अपनी जगह पर वैसे ही चलती रहेंगी जैसे चल रहे थे, वही अमल जारी रहेगा। इसका फैसला मैंने किया है, मेरी नजर में यही तरीका सबसे आसान तरीका है।